इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने स्कूल टाइम पे तो पढ़ा ही है, और हम अपने प्लांट में दो टाइप की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, दैट इज़ गोल्डन एंड सिल्वर, जो कि एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको दूंगा अपनी फैक्ट्री का टूर और दिखाऊंगा कि हम क्या बनाते हैं। ये हम आ गए हैं फैक्ट्री के अंदर और आपको अब दिखाते हैं अपनी फैक्ट्री वाली साइड। ये है हमारी फैक्ट्री, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, होप यू लाइक इट। फैक्ट्री का जो एरिया है इट्स अराउंड 1 एकड़। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यू नो दैट वी मैन्युफैक्चर, और यू नो इलेक्ट्रोप्लेट आप देख सकते हैं, ये सभी वैसे टेबल पे पड़े हैं अभी बिखरे हुए, क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही है। और ये हमने अभी रिसेंटली बना के भेजा है गुजरात। और ये है हमारा छोटा सा ऑफिस रूम जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं मेरी। ये है ट्रैक्टर लिंकेज का पार्ट और ये है विदाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि विद इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे लगता है। ये है एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कि शाइन भी होती है और रश भी प्रिवेंशन करता है, इसलिए ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने स्कूल टाइम पे तो पढ़ा ही है, और हम अपने प्लांट में दो टाइप की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, दैट इज़ गोल्डन एंड सिल्वर, जो कि एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है एक और गोल्डन प्लेटिंग का, इसको बोलते हैं बैरल, और इसके अंदर होता है प्रोडक्ट जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है। आप देख सकते हैं कि केमिकल काफ़ी होता है इसके अंदर, तो इसलिए इसको रेगुलरली यू नो पेंट करना या चेंज करना होता है, वरना रस्ट लग जाता होता है। और हमारे पास ऐसे से 7 बैरल हैं कंपनी में। ये है एक ओवन, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है। सर्दियों में क्या होता है कि काफ़ी ठंड होती है, तो प्रोडक्ट जल्दी सूखता नहीं है, तो जल्दी सुखाने के लिए उसको, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, रस्ट ना लग जाए, पेंट ना उतर जाए, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो जो चीज़ मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ उसको बोलते हैं टैंक, और इसमें भी हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें आप प्रोडक्ट को डिप करोगे, मशीन उसको आगे मूव करेगी, आगे जब वो मूव होगी तो आगे अलग केमिकल होगा उसमें डिप होगा वो, जिससे कि आगे वो घूम के फिर कन्वेयर बेल्ट पे इलेक्ट्रोप्लेट होगा। तो जो हमारी फैक्ट्री की डेली प्रोडक्शन है वो है अराउंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के 6 टन। आप देख सकते हैं कि केमिकल्स है तो रस्टिंग आम बात है, इसलिए पेंट भी रेगुलर होता है। ये है ट्रैक्टर लिंकेज का पार्ट और आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, अभी सीएनसी मशीन के बाद आपको दिखाएंगे। और ये आफ्टर सीएनसी का ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि ओके हो गया प्रोडक्ट हमारा, बिल्कुल चमकदार हो गया है, कोई शार्प एजेस नहीं है, प्रॉपर स्मूथ हो गया है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये ऑपरेशन से पहले है और ये ऑपरेशन के बाद है सीएनसी में ही। इसको बोलते हैं सेंटरलेस मशीन और ये भी हमारे प्लांट में 4 हैं। इसमें हम करते हैं ग्राइंडिंग, प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं कि पहले रफ है तो स्मूथ करेंगे इसको, ग्राइंडिंग करेंगे इसकी, और ग्राइंडिंग के बाद ऐसा हो जाता है, ये ड्रिलिंग हो रही है आप देख सकते हैं। और ये मशीन्स हमारे पास होंगी 6 to 7 फैक्ट्री में। ट्रैक्टर लिंकेज का काम आप देख सकते हैं कि यू नो हाथ पैर कपड़े गंदे हो सकते हैं, बट ये है कि काम तो काम होता है, करना पड़ता है। So guys, that's it from my side. Hope you guys like the video. If you guys like the video, kindly subscribe to the channel for more. And I'm gonna say that, you know, I'm proud to be a part of the small scale industry. And I'm proud that I'm contributing to the economy and, you know, growth of the nation. उसी के साथ साथ बहुत खुशी होती है कि इतने लोगों को employment भी generate कर रहे हैं। तो चलिए, thank you तब तक के लिए, और मिलते हैं आपसे next video में। See you soon.